एक बार की बात है, कुछ बच्चे जंगल में पिकनिक मनाने गए और उनमें से एक शैतान बच्चा जो सबको परेशान करना चाहता था, उसने सोचा मैं जंगल में जाकर शेर से चिल्लाऊंगा तो सभी लोग डर जाएंगे। ऐसा सोचकर वह जंगल की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा सोचने के बाद वह जंगल पहुंच गया और जंगल जाते जाते वह नदी को पार करके एक घने से जंगल में जाकर एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया और वहां से जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ शेर आया बचाओ बचाओ शेर आया। उनके दोस्तों ने अपने दोस्त की आवाज़ सुनी और उन्हें बचाने के लिए जल्दी जल्दी जंगल की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्हें भी वही पेड़ पड़ा और वही नदी, जिससे पार करके वह अपने दोस्त तक जा पहुँचे और उन्होंने देखा कि उनका दोस्त खंभे के पीछे खड़ा है। तो एक दोस्त आगे आकर कहने लगा कि तुमने तो कहा था शेर आया है, कहाँ है शेर? तो उसने कहा मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। तब दूसरे दोस्त ने कहा ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, फिर क्या? और ऐसा कहकर सभी दोस्त अपने अपने कैंप सोने चले गए। अपने दोस्तों से मिलने के बाद वह बच्चा और जंगल की तरफ बढ़ने लगा, जबकि उसके दोस्त कैंप में जाकर सोने लगे थे। और जब वह घने जंगल में पहुंच गया तो वह वापस आने का रास्ता भूल गया और इधर उधर भटकने लगा, सोचने लगा अब मैं किधर जाऊं? फिर क्या, भटकते भटकते वह घने जंगल में जा पहुंचा, जहां उसे सचमुच का शेर दिखाई दिया और वह जोर जोर चिल्लाने लगा, बचाओ 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 बचाओ। इतना कहते कहते देखते देखते शेर ने भी बच्चे को इतना देखते देखते से छलांग मार के बच्चे के पास आ गया और उसने कहा आज का डिनर तो मेरे तुम्हें ही खाऊंगा, और बच्चे को खा लिया। खा करके शेर वहां से चला गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सच का साथ देना चाहिए। झूठ बोलने वालों का अंत उस बच्चे की तरह होता है, इसीलिए झूठ नहीं बोलें और हमेशा सच का साथ दें, सच बोलें। आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। बाय बाय।